नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले लाना मकबूल साहब आपकी वापस आती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो है वो अब यही मेरा सवाल आपसे भी है कि नून लीग किसको कैंडिडेट देख रही है और उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी जो अब आइंदा मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत आप लोगों के हैंड ओवर हो जाती है तो। देखिए, वो कहते हैं टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। अब ये असेसमेंट हो जाएगी और है भी पहले। फॉर एग्जाम्पल, मेरा व्यू तो ये होगा कि अगर बहुत जिस मिनिस्ट्री में डिवीजन में जाइगेंटिक चैलेंज है, वहाँ एक्सपर्ट्स की टीम देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बात कर रहे थे फाइनेंस डिवीजन है, बहुत मुश्किल काम है। उसमें कम अज़ कम हम तीन एक्सपर्ट जो हैं दोनों तीनों पार्टियों से दे सकते हैं। एक मिनिस्टर हो जाए, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाए, तीसरा एडवाइजर हो जाए, और भी इनपुट दी जा सकती है। तो ये टीम वर्क होगा, कलेक्टिव जो वेंचर होगी। और इसी तरह बाकी इंटीरियर डिवीजन में मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एडवाइजर जो एक्सपर्ट्स हों जिनकी, तो इससे आप देखेंगे। इसी तरह फॉरन अफेयर्स में तो जितने भी चैलेंजिंग एरियाज हैं उनको कैटर फॉर किया जा सकता है इन ए मेथोडिकल मैनर। तो मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप जो है वो इतनी कम्प्लेक्स जरूर है कि इन सब चीज़ों को कैटर करेगी और उसके रिजल्ट आएंगे। और पता है सब लोगों को अब कि देर इज नो चॉइस एक्सेप्ट फॉर डिलीवरिंग एंड वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग सिंसियरली एंड डिवोटेडली। और ये सारी टीम करेगी, आप देखिएगा इसके। और ख़ासतौर से जिस द कैप्टन ऑफ द टीम बीइंग शहबाज, जो कि हार्ड टास्क मास्टर है, वो अपने ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। जिस तरह वो असाइनमेंट देता है, जिस तरह उसको फॉलोअप करता है, वो उसी का काम है। मैंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी गुजारी है लोगों के साथ, इतना काम करने वाला बंदा मैंने नहीं देखा। हाँ, इतना अनथक आदमी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सारी टीम डिलीवर करेगी और इसमें कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि ये ना कर सके। बाकी मैंने आपको पर्सपेक्टिव बता दिया है, इनका इमेज बता दिया है, इनकी पॉपुलैरिटी अब्रॉड बता दिया है। चौधरी साहब कह रहे हैं वजीर आजम से अस्करी हुकाम की आज मतलब दो मुलाकातें हुई, ना किसी ने इस्तीफा मांगा है ना वो देंगे। और वो कह रहे हैं बयान भी कि वर्ल्ड कप की तरह लग रहा है कि हम पीछे, लेकिन हम पीछे नहीं है, हम कमजोर नहीं है। जब बाजी पलटेगी तो सब देखेंगे। क्या अभी भी लगता है कि कोई बाजी पलट सकती है, कोई चांस के लिए? वर्ल्ड कप का मॉडल जो है ना, इसको छोड़ें, दिस इज नॉट क्रिकेट, इट्स ए वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। ये स्टेट क्राफ्ट का बिजनेस है। ये क्या बातें करते रहते हैं, वर्ल्ड कप है, मैं बॉल कर दिया, विकेट गिर गई और फलाना। बाबा, ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। सीरियस एफर्ट इज टू बी मेड, और जो नहीं हो सकी आप छोड़ दें इस बात को। जैसे कहते हैं आपको पता आ जाएगा, कोई ये हो जाएगी कि वो क्यों मांगेंगे इस्तीफा आपसे? इस्तीफा से आपसे कौन ने मांग लिया है? तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने मांग लिया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपसे क्यों मांगेंगे? दे आर दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो आपको क्यों कहेंगे ये वो? दे कह दिया उन्होंने, पार्लियामेंट ही है ना जिसमें सारा कुछ होता है। तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड सॉवरेन, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें। नहीं इस्तीफा देंगे तो हम आपको वोट आउट कर देंगे, बात खत्म हो गई। इसमें कोई झगड़े वाली या इसको एक्सटेंड करने वाली बात जो मैं समझता हूँ, ये पोलिटिकल इमेच्योरिटी है, ये पोलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी मुझे राणा मकबूल साहब बताइएगा कि एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है और अब ये खत वाला मामला, जैसे जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कभी सामने आ रहा है मामला कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को दस्तावेजात पब्लिक करने से रोक दिया है। साथ ही ये भी रिमार्क दिए कि एतमाद है कि वजीर आजम इमरान खान ऐसी मालूम अफशा नहीं करेंगे जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। तो ये जो खत है बेसिकली, इसकी इम्पोर्टेंस अब इस सारे सिनेरियो में, इस एपिसोड में कितनी है? देखिए जी, मे बी ऑनरेबल हाई कोर्ट खुद इसको एग्जामिन करना चाहता हो, और इसकी वैसे तो कोई अहमियत नहीं है, ये एक रिपोर्ट जनरेट हुई है। अब रिपोर्ट की तह तक पहुंचा जाएगा, इसकी फोरेंसिक होगी, इसकी प्रॉपर एनालिसिस होगा, ये किस लेवल के आदमी ने रिपोर्ट जो है इनिशिएट किया है। तो आपको पता है जैसे रिपोर्टें इनिशिएट होती हैं वो पता चल जाएगा अगर कोई ऐसी बात है तो। अगर कोई किसी मुल्क ने या किसी ने किया तो वी विल फेस इट। लेकिन ये बात पाकिस्तान की है, एक इंडिविजुअल की नहीं है। अगर है तो इंडिविजुअल की नहीं है तो बाकी सारी कौम अब इकट्ठी है। अब आप देखें जैसे वो MNAs का एक तरफ सारे हो गए हैं तो क्या दे कैन कैटर फॉर दिस चैलेंज, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या इससे इस मामले के बाद क्या वाकई अगर खत दिखाया जाता है, कैमरा ब्रीफिंग हो जाती है और वो साजिश हुई तो क्या अपोजिशन भी रुक जाएगी तरीके से? नहीं नहीं, अदम एतमाद का कोई ताल्लुक नहीं है। That's a constitutional democratic process. उसका कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। ये तो ताल्लुक है जो इकोनॉमी में फेल हुए हैं, पॉलिटिक्स में फेल हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी में फेल हुए हैं, वो इस वजह से है।
एडमिट मत आइए, और पार्लियामेंटेरियन ने अपना व्यू दे दिया है, अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया है, उसका एक खत से क्या ताल्लुक है? ये तो हम, जैसे मैंने पहले इसके कि हम गिमिक्स के ऊपर ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं, और इनको चाहिए कि सीधी सीधी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करें, अपोजिशन में जाएं, बैठें, मेहनत करें, गवर्नमेंट को पकड़े जहाँ जहाँ काम नहीं हो रहा जो अपोजिशन का, और हेल्दी पॉलिटिक्स करें। ये झूठ की, एलिगेशंस की और एग्जेजरेशन की, ये पॉलिटिक्स कोई हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं। अच्छा एक चीज और है, हमने भी देखा इससे पहले जितनी भी चीजें हुई उसमें सारे तमाम सूरत हाल में हमेशा अपोजिशन कहती रही कि हम जीतेंगे जीतेंगे, अभी भी नंबर्स आपके पास ही पूरे ज्यादा नजर आ रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही नंबर नजर आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं तरीके से एतमाद वाले दिन लोग इधर उधर हो जाएं और नहीं आए और उस दिन जो है वो एक गेम उल्टी हो जाए जो हुकूमत कह रही है बार बार? ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्टर्स जो हुआ करते थे पहले वो आपको भी पता, सबको पता है, वो फैक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के इंटरेस्ट में वो फैक्टर्स जो है वो अब विजिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता ऐसी बात। सब आप लोग एक बिल्कुल वाज़े बात है कि न्यूट्रलिटी है और इस दफा कोई इंटरवीन नहीं हो रहा किसी किस्म का, लग रहा है सब नजर आ रहा है, जो बेचते थे दुआए दिल को दुकान अपने बढ़ा दो। हाँ जी, इतनी सी बात। अच्छा अब एक चीज और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हमने देखा है कि जी इत्तेहादियों की एक और इत्तेहादी जमात ने अपोजिशन से राब्ता कर लिया है, इस बारे में क्या खबर है आपके पास और अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है? खासतौर पर जैसे कि जीडीए के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अब तो जो है वो अपोजिशन से राब्ता किया है। जरूर करेंगे, अब फिजा भी ऐसी बन गई है और बाय एंड बाय लोग कन्विंस होते जा रहे हैं कि ये टीम ना डिलीवर कर सकी है ना कर सकेगी, सवाए इन्होंने गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की हैं कई सारी जो रोज़ शाम को चलती थी और रात गए तक चलती रहती थी, इसके अलावा कोई पॉजिटिव काम हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, डायरेक्शन बदल गई ना, ऑब्जेक्टिव अपने सही मानों में फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जरा उस्मान सईद दस्ता साहब भी हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, रिजवान हैं जी पंजाब हुकूमत के, थैंक यू सो वेरी मच उस्मान फॉर ज्वाइनिंग अस। उस्मान जैसे एक सिचुएशन इमर्ज हुई भी है, अभी हमने सो फार अपोजिशन के साथ भी बात की है प्रोग्राम के अंदर कि चले लेट सपोज भी अगर ये तरीके एतमाद का जो सीन है वो अपोजिशन के हुकूमत के हक में चला जाता है, हुकूमत ड्रॉप सीन भी हो जाता है एक हम सपोज कर लेते हैं, तो जो इकोनॉमी के मामला है खास तौर पे और जो बजट आना है विद इन द टू मंथ्स, क्या कोई जादू की छड़ी छड़ जाएगी कि इस सिचुएशन में सारी जो है वो चीजें बेहतर हो जाएंगी? प्लस ये जो अब खत की बात हो रही है, खत कितना खत में ये जो सारा मामला है खतरनाक तरीके से बताया जा रहा है कि जो थ्रेट मिली है इसमें, इन कैमरा सेशन के बाद आपको उम्मीद लगती है कि जो इत्तेहादी और जो मुनरफ अराकीन है वो वापस आ जाएंगे देखने के बाद ब्रीफिंग के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिदा आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मैं एक्चुअली आपको तीन पॉइंट के ऊपर जरा एलैबोरेट करना चाहता हूं। पहली बात है, आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल सुन रही हूं, आ रही है जी, बोलिए। अच्छा पहला पॉइंट जो है उसके ऊपर तो ये है कि देखिए आज तक ये मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़ तरवीज बदनवानी कहीं पे एक ना हो सकी, खत्म नबूवत पर एक ना हुई, गुस्ताखाना खाकों पर एक ना हुई, कश्मीर और पुलवामा के वाक़े के बाद पाकिस्तान पे भारतीय अटैक के बाद एक ना हुई, बलूचिस्तान में भारतीय इन्फिल्ट्रेशन पे एक ना हुई, कलभूषण के मामले पे एक ना हुई, पाक फौज की जो ह्यूमिलेशन और तजलील का एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया कभी इस पर एक नहीं हुए, एक मगरबी खत ने इन सबको एक कर दिया, ये है इनकी असलियत। पाकिस्तान के किसी नेशनल इंटरेस्ट पे, किसी पाकिस्तान की वादत के इंटरेस्ट पे आज तक ये इकट्ठे नहीं हो सकते, एक मगरबी खत ने, एक मगरबी साजिश ने और डॉलरों की चमक ने इन तमाम कातिलों मकतूल को इकट्ठा कर दिया। अब ये मुझे बताइए, जिन कहा करते थे पाकिस्तानी फौज को सिलेक्टेड कहते थे और इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते थे, आज इनके मुंह के ऊपर मगरब के और अमरीकी झंडे लगा के बताना चाहिए कि हु इज द सिलेक्टर एंड हु इज बीइंग सिलेक्टेड। ये एक शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान की मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़ुज़ बदनवानी मगरब और अगयार की एक साजिश जिसके पीछे हराम का पैसा और डॉलर्स है, में मुल्क की खुददारी, मुल्क की जो अना है, मुल्क का वकार है, उसको बेच खाया, और इनका वाहद इकट्ठे होने का पीछे एक ही इंस्ट्रूमेंट है और वो साजिश है। साजिश के पीछे मगरब के वो ममालिक हैं जिन्होंने शुमाल और मगरब में भागती हुई इस अपोजिशन को इकट्ठा कर लाया, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि ये तो अभी फैसला होगा ना तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग तक कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन ये फैसला तो बिल्कुल हो चुका है, ये फैसला नवश्ता दीवार है
पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसको जानता है कि ये अपोजिशन मगरब से उठी हुई पाकिस्तान की धरती माँ दुनिया इस्लाम की वाद इस्लामी एटमी पावर के खिलाफ होने वाली साजिश का हिस्सा है। ये प्लांटेड किए गए हैं, खत के मुंदरजात बड़े वाजिया हैं कि मगरब जो है वो तरीके अदम एतमाद ला रहा है और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ये मकरू चेहरे जिन्होंने धरती माँ का सौदा कर लिया है और जिनके मुतल्लक एक अमरीकी सेनेटर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं कहा था, इनके लिए कहा था कि ये डॉलरों की अपनी माँ को बेच देंगे, तो अब ये डॉलरों केव कल को हो सकता है पाकिस्तान की एटमी सालमियत को भी बेच दें। तो इसलिए इनकी इनकी टोटल कीमत क्या है, एक इंसान की कीमत है 1 मिलियन अमरीकी डॉलर। ये तरीके अदम एतमाद जो लेके आए हैं ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। खत के मंदरजात भी एक मिनट स्पीक भी खत के मंदरजात भी बड़े वाजिया हैं। आज वजीर आजम ने सहाफी बरादरी से वो खत शेयर कर दिया है, उसके मंदरजात शेयर कर दिए हैं। वाजिया लिखा है कि तहरीके अदम एतमाद से पहले की ये जो केबल है वो बता रही है कि तहरीके अदम एतमाद को मगरब की ताकतों ने डिजाइन किया है और कहा गया है पाकिस्तान में बैठे मीर जाफर और मीर सादकों को कि आप इसको कामयाब करें और अगर ये कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को, मुझे, आपको, इस धरती माँ को ये कहा गया है कि हम आपको इसके कंसिक्वेंसेस फेस करवाएंगे। आज वजीर आजम की लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान की कौम अग्यार के इन आलाकारों के सामने डट के खड़ी हुई है और इंशाल्लाह ताला ये अदम एतमाद अब इररेलेवेंट हो गई है। अब पाकिस्तान के अंदर ये फैसला होगा कि वजीर आजम की सरबराही में पाकिस्तान की कौमी हुमैयत, पाकिस्तान की खुददारी को बेचने वालों के खिलाफ कौन खड़ा है और पाकिस्तान की कौमी हुमैयत, कौमी खुददारी को बेच खाने वाले पाकिस्तान के ये सियासत के रूप में छुपे हुए दरिंदे, इनके साथ कौन खड़ा होता है। तरीके अदम एतमाद अब इररेलेवेंट है। आने वाले दिनों के अंदर हम बताएंगे कौम को कि किसने किसको सिलेक्ट किया है। मगरबी एजेंट और मगरब के ये सिलेक्टेड लोग आज पाकिस्तान के जमहूरियत और पाकिस्तान की कौमियत के माथे पे कलंक का टीका है। ठीक है, अच्छा तो तरीके अदम एतमाद आप कह रहे हैं इररेलेवेंट हो गई है, सही है। मैं राना मकबूल साहब 30 सेकंड से बस वाइंड अप करना है, इस पर आप जवाब दे सकते हैं तो आप इस हवाले से बता दें जो कि कह रहे हैं कि अब तो इररेलेवेंट हो जाएगी और ये एजेंडा वही वाली बात आ रही है खत के हवाले। उनका बसर साहब का अपना परसेप्शन है, अपना एनालिसिस है, हर आदमी को हक है अपना एनालिसिस करे, लेकिन फैक्ट्स डिफरेंट है। ठीक है, और ये सारे फैक्ट्स जो है ये इमोशन से चैलेंज नहीं किए जा सकते। Okay. ये जेन्युइन एफर्ट से किए जा सकते हैं, ना ये गालियों से काम ठीक हो सकता है, ना दुष्काम तराज से ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया सेंटर आना मकबूल साहब आपका, उस्मान सईद बसर साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन ऐसी बात है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, पॉलिटिकल मूव है, अपोजिशन ये कह रही है कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूव लेकर आए, लेकिन अब हुकूमत ने प्रॉपर एक चैलेंज कर दिया है तरीके अदम एतमाद के हवाले से और एलिगेशन लगाया है खासतौर पर इस हवाले से खत को मुबैना बनाते हुए कि जी उस खत के तनाजुर में जो सारी सिचुएशन हो रही है वो एक गैर मुल्की एजेंडे पर काम हो रहा है। हकीकत क्या है और इस सारे एपिसोड का क्या फाइनल डिसीजन और रिजल्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ जी अपनी मेजबान दफे सैफिक इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।